किसी भी मुल्क और कौम को बनाने में एक रहनुमा का किरदार होता है, जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और उनके रुफका की शानदार खिदमात पाकिस्तान को बनाने के लिए थी। इसी तरह तकरीबन 59 साल पहले जनाब नजरुल हक लोन ने अपने रुफका, जिनमें मलिक जहूर साहब, मियां मोहम्मद असलम साहब, शेख खुर्शीद साहब, हाजी फजल करीम साहब, नज़ीर साहब, नोमान जान एरकन साहब और दीगर साथियों के हमरा एक ग्रुप तश्कील दिया, जिन्होंने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरक्की और फरोग के लिए बेपनाह खिदमात सरंजाम दी। बाद अजां 70 की दिहाई में जनाब शेख इशरत साहब ने ग्रुप की बागदौड़ संभाली। इनके साथ इलियास बलोर साहब, सैयद सईद शाह साहब और मियां मसूद अहमद साहब शामिल थे। ये लोग RCCI को एक और नहज पर ले गए। पिंडी चैम्बर उस वक्त एक बहुत बड़ा चैम्बर होता था। इस्लामाबाद चैम्बर नहीं था, देवर नो इस्लामाबाद चैम्बर, देवर नो गुजरात चैम्बर। इवन गुजरात के मेंबर भी जो हैं, गुजरांवाला तक के मेंबर जो थे वो पिंडी चैम्बर में होते थे, और पिंडी चैम्बर राइट फ्रॉम अटक से लेके गुजरांवाला तक जो है उस सारे एरिया को कवर करता था। जनाब शेख इशरत साहब के दौर में RCCI के लिए आदमजी रोड पर बिल्डिंग खरीदी गई। जनाब शेख इशरत साहब मरहूम ने अपने जाती घर को गिरवी रखकर बैंक से लोन हासिल किया ताकि चैम्बर के लिए एक मुस्तकिल बिल्डिंग का इंतजाम किया जा सके। रावलपिंडी चैम्बर के मेंबरान जनाब शेख इशरत मरहूम साहब के इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। शेख इशरत साहब सदर ममलिकत के खसूसी मुशीर के तौर पर अपनी खिदमात और फराइज सरंजाम देते रहे। जनाब शेख इशरत की वफात के बाद जनाब एहसानुल हक पराचा साहब ने ग्रुप की बागदौड़ संभाली। जनाब एहसानुल हक साहब ने बेनजीर की पहली हुकूमत के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर खिदमात सरंजाम दी। जब तक मेरी ज़िंदगी है चैम्बर में मोहब्बत है मेरी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन गुजारे हैं वहाँ, तो उस मोहब्बत की वजह से मुझे विद चैम्बर। इसके बाद 80 की दहाई में ग्रुप में एक नए अहद का आगाज हुआ और ग्रुप की कयादत एक ऐसी शख्सियत को सौंपी गई जो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते थे। मियां परवेज असलम की बुर्दबारी, पुरकशिश और हर दिल अजीज शख्सियत की वजह से ग्रुप के दोस्तों में इजाफा होता चला गया और RCCI ने उनकी खिदमात की बदौलत पाकिस्तान भर के चैम्बर्स में एक नुमाया मुकाम हासिल किया और इस ग्रुप को बाकायदा तौर पर मियां परवेज असलम ग्रुप का नाम दे दिया गया। एवरीबॉडी शुड गेट अ चांस, और हर जो मेंबर है उसको चांस मिलना चाहिए टू सर्व द चैम्बर, टू सर्व दिस कम्युनिटी, टू सर्व दिस कंट्री। अब हमारी कोशिश है सबके मशवरे के साथ, लाइक आई सेड, कि अब हम जो सीनियर लोग हैं उनको साइडलाइन कर रहे हैं और यंगस्टर्स को, यंग पीपल वी वांट टू ब्रिंग इन। एंड फॉर लास्ट फ्यू इयर्स हमारी कोशिश रही है कि नौजवान जो हैं वो आए, बिकॉज दे मोर एनर्जेटिक। एंड जनाब मियां परवेज असलम की वफात के बाद जनाब नजमुल हक मलिक को मियां परवेज असलम ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने भरपूर तरीके से खिदमात सरंजाम दी, मगर जिंदगी ने उनको ज्यादा मोहलत ना दी और वो 1.5 साल के कलील अरसे में ही इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। यकीनन मियां परवेज असलम ग्रुप के लिए एक मुश्किल वक्त था जब इंतहाई मुख्तसर अरसे में ग्रुप के नुमाया रहनुमा यके बाद दीगरे हमसे जुदा हो गए, जिसमें साबिर हुसैन भट्ट साहब भी शामिल थे। जिंदगी एक तसलसल का नाम है। रवायात के मुताबिक और अल्लाह के फजलो करम से ग्रुप बाहमी इत्तफाक और इत्तहाद और एहतराम के साथ कायम व दायम रहा। एक नई उम्मीद के साथ बाहमी मशवरे से एक नई कयादत तश्कील दी गई, जो कि जनाब शेख शब्बीर साहब, जनाब सुहेल अल्ताफ साहब और SM नसीम साहब पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, RCCI के मेंबरान भरपूर तरीके से इस कयादत के पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह RCCI दिन दुगनी रात चुगनी और मुकम्मल इत्तेहाद के साथ इस कयादत की सरबराही में तरक्की की मनाजिल तय करता चला जाएगा।
تو میں سمجھتا ہوں کہ البنی چیمبر کا ایک تو آپس میں اتفاق جو ہے اور چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کی عزت, I mean that is the key to our success.